वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ए वेरी गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी जेईई या यूपीपीसीएल जेई या डीएमआरसी जेई, तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। और उसके बाद जो आपको गोल सेलेक्ट करना है वो है एसएससी जेई एंड स्टेट जेई, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो RK11 रेफरल कोड का आपको यूज करना है। बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर माई गाइडेंस विद मी। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे या किसी भी कैटेगरी में, तो आपके लिए RK11 कोड वैलिड है और इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा और जितने भी एडवांटेज हैं सारे मिलेंगे। और कैटेगरी आपको क्या चूज करनी है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेई एंड स्टेट। उसके अलावा जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उस कैटेगरी के सारे एजुकेटर की वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उन वीडियोस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो ये जो कैटेगरी है इसमें संकल्प बैच चल रहा है और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 24 तारीख से यानी परसों से 24 सितंबर से मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है 24 सितंबर से। किस कैटेगरी में? एसएससी जेई एंड स्टेट। तो अगर आपको मेजरमेंट पढ़ना है मुझसे या और भी कोई सब्जेक्ट, तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। तो मेजरमेंट कंप्लीट डिटेल में चलेगा। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस आपकी 2 साल की कितनी है, 10,800, और जो 1 साल की फीस है वो है 9,000। ये जो फीस मेंशन है, इस फीस में आपको कुछ कंसेशन मिलता है जब आप RK11 कोड का यूज करते हैं। सो यूज दिस कोड, गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी, राइट? तो यूज करना इस कोड को ना भूलें, डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है 24 सितंबर से, ठीक है? उसके अलावा अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करना चाहते हो या मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो या मुझे डेडिकेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सर्च करना है अकेडमी डाउनलोड करने के बाद राजकुमार सिंह 730। जब आप सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730 तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी और मेरी प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं, मेरे साथ इंडक्शन मशीन अनंत यादव और मोनू पाल जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। अरे कैसे हो भाई? अनंत बोल रहे हैं सर आजकल क्लासेस लेट से शुरू हो रही हैं, वेट करके ऑफलाइन हो जाती हैं तब पता चलता है वो क्लास बहुत ज़्यादा छूट गया सर। ठीक है अनंत, अब टाइम से स्टार्ट करूंगा मैं, क्लास 10 बजे से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? क्लास तो अनंत होती है अगर शेड्यूल बना हुआ है। आप ये देख लिया करो, इवेंट बना हुआ है इसका मतलब क्लास उस दिन होगी, 10:05, 10:10 तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है?
ठीक है अनंत, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। चलिए लेट्स स्टार्ट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द सर्किट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। अभिषेक कसेरा हमारे साथ है, स्वागत है। इंडक्शन मशीन, गौरव कुमार, एवरीवन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का। ये एक वोल्टेज सोर्स है जो हमारे लिए समस्या का कारण है। तो आप ये समझ लो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो एक तरीके से आरटीएच निकालना है। आप मान के चलो आरटीएच मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, तो देखो ओपन है इसका मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दिया करो, करंट सोर्स है तो ओपन कर दिया करो। वोल्टेज सोर्स है तो क्या कर दिया करो शॉर्ट, करंट सोर्स है तो उसको कर दो ओपन, लाइक दिस, ऐसे कहानी। अब 5 और 20 किस में होंगे? 5 और 20 पैरेलल में, तो 5 और 20 पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 20 × 5 / 20 + 5, 20 × 25 = 25, 4 ओम। अजीब अजीब आंसर क्यों आ रहा है भाई? अजीब अजीब आंसर क्यों आ रहा है? ये 5 ही था और क्या था ये? अरे चिंटू ध्यान कहाँ है, ये 20 है, ये 5 है। चिंटू अगर हमको दिखाई नहीं दिया सर, दिखाई नहीं दिया।
बहानेबाज चिंटू। चलो अगले सवाल का आंसर बताओ। ये ए है और ये बी है। ए और बी के क्रॉस पता करना है आरटीएच और वीटीएच, दोनों निकाल के बताइए। ए और बी के बीच में आरटीएच और वीटीएच निकालो। रिमेंबर दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। VTH और RTH दोनों निकालो। RTH तो सब निकाल दिए, VTH कौन निकालेगा? VTH इंडक्शन मशीन का करना है, वीटीएच 10 वोल्ट आएगा। वीटीएच निकालो सभी लोग। आरटीएच और वीटीएच दोनों निकालो। चावला अनिल का 10 ओम का वायर 16.6 वोल्ट आया है। ऐसी गलतियां चिंटू करता है और बोलता है सर पेपर टफ आया था, छोटू सा सर्किट आया और चिंटू पसीना पसीना हो गया। देखो VTH RTH निकालना तो काफी आसान है। RTH मतलब इसके इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट। तो 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा। ये 3 और 6 पैरेलल में कितना होगा? 6 × 3/6 + 3, 6 × 3/6 + 3 18/9 यानी 2 ओम। 6 × 3/6 + 3 18/9 यानी 2 ओम। इसका इसका पैरेलल 2 ओम आ गया। अब जो 2 ओम आएगा उस 3 ओम के साथ सीरीज में होगा, तो आरटीएच तो आ गया आपका 5 ओम। आरटीएच आपका आ गया कितना? 5 ओम। 3 × 6/3 + 6 आरटीएच 5 ओम आ गया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वीटीएस की। वीटीएस क्या है, इसके इसके बीच का वोल्टेज निकालना है। ये तो है वीटीएच। तो वीटीएच कैसे निकालोगे, देखो पहले आप देखो एक बार ये तो पता है कि ए और बी टर्मिनल ओपन है तो तीनों में तो कोई करंट जाएगी नहीं, तीनों में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ए और बी जब ओपन सर्किट है तो तीनों में तो कोई करंट नहीं जाएगी, जो भी करंट फ्लो होगी इसी सर्किट में ऐसे फ्लो होनी है। तो एक बार जरा इस सर्किट में देखो कितनी करंट फ्लो हो रही। मान लो यहां से आई करंट चली, जहां घुसेगी प्लस जहां निकलेगी माइनस, वही आई करंट ऐसे जहां घुसी प्लस जहां निकली माइनस आई करंट। तो जरा इस आई करंट को निकालो, तो आई करंट क्या होगी माइनस 20 प्लस 3i प्लस 6i माइनस 10 बराबर 0, 3i प्लस 6i 9i माइनस 30 इधर इधर चला गया प्लस 30, आई की वैल्यू हो गई 10/3 एम्पियर, यानी 10/3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी। अब क्या करो, बाहर वाले लूप में घूम जाओ, बाहर वाले लूप में इस वाले लूप में घूमो, बाहर वाले लूप में तो क्या होगा माइनस 20 प्लस 3 × i करंट कितनी है 10/3, तीनों में कोई करंट नहीं है प्लस VTH बराबर 0। ये तो होगा इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज 0 है, फिर इसका वोल्टेज बाहर वाले लूप में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया माइनस 20 प्लस 10 प्लस VTH बराबर 0। तो VTH यहां से हो जाएगा माइनस 10 उधर चला गया प्लस 10। RTH 5 ओम और VTH 10 वोल्ट आ गया, क्लियर। चलो अगला सवाल है, टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव लोड हूज रेजिस्टेंस इज equal to Norton resistance। Of network, what will be load current what will be load current if Norton current is IN 2IN/3
बताओ। ए टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव लोड हुज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। व्हाट विल बी लोड करंट इफ नॉर्टन करंट इज आई एन। कुछ लोगों का बी कुछ लोगों का डी आ रहा है। और देखो ए टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव लोड हुज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। टू टर्मिनल नेटवर्क का मतलब कोई नेटवर्क है ये। टू टर्मिनल नेटवर्क ये दो टर्मिनल है। टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव लोड। इसमें एक रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है। रेजिस्टिव लोड मतलब आरएल। हुज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। इसका जो रेजिस्टेंस है वो नॉर्टन रेजिस्टेंस के बराबर है। मीन्स दिस आर एल इज इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। ये इसके बराबर है। व्हाट विल बी लोड करंट इफ नॉर्टन करंट इज आई एन। अच्छा ये जो लोड रेजिस्टेंस है कोई नेटवर्क है। अगर मैं इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या लिखते हो आप आई एस सी लिखते हो। इसको क्या लिखते हो आप आई एस सी या आई एन नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। उसके बाद आप यहां लिखते हो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आर एन और फिर आप लिखते हो यहां पे आर एल। अगर मैं इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट हो गई आई एन, ये हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एन और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आर एल। यही तो होगा। अब पूछा क्या है व्हाट विल बी लोड करंट इफ नॉर्टन करंट इज आई एन। लोड करंट मतलब इस ब्रांच में कितनी करंट होगी ये आपसे पूछा है। लोड करंट अगर नॉर्टन करंट आई एन हो, ये नॉर्टन करंट है ये नॉर्टन करंट मान लो आई एन है, कैपिटल आई एन स्मॉल आई एन, नॉर्टन करंट आई एन दे रखा है। तो व्हाट विल बी लोड करंट, तो अगर आई एन करंट यहां से चल रही है तो कुछ करंट इधर जाएगी कुछ करंट इधर जाएगी। अब चूंकि जो लोड रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू आर एन के बराबर ही है यानी दिस आर एल इज इक्वल टू आर एन, यानी जो लोड रेजिस्टेंस वो आर एन के बराबर है। तो अब ये भी आर एन और ये भी आर एन, इसका आर एल आर एन के बराबर ये दे रखा है सवाल में। दोनों अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो जो आई एन करंट आएगी आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी, तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी दैट विल बी आई एन बाई टू। इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी दैट विल बी आई एन बाई टू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
चलिए नेक्स्ट। For an ideal voltage source, the terminal voltage dot 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 load पहला है dependent on दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ तीसरा है प्रोपोर्शनल टू चौथा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ होता नहीं है। अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता, यहाँ अगर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता तब तो दिक्कत होती, बट यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। ये मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी अगर है, ये वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट ही हमेशा मिलेगा, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ होने वाला है नहीं। तो टर्मिनल वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है। चलिए नेक्स्ट। इंडक्शन मशीन कल परसों तो करवाया था कंट्रोल का क्वेश्चन, कल परसों तो कंट्रोल का क्वेश्चन करवाया था। चलो जरा बताओ, इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है 4t² + 6t + 2। फाइंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स। निकालो इसका आंसर। कैसा हुआ इंडक्शन एग्जाम बार का, कैसा हुआ? तौसीफ अली हमारे साथ हैं, स्वागत है तौसीफ। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। इसका जवाब दो, इसका जवाब दीजिए सभी लोग। अच्छा, 40 में से 38 किया, बहुत बढ़िया। इंडक्शन मशीन बोल रहा है, अब इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल लगे रहो, लगे रहो इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट इंडक्शन, ऑल द बेस्ट। अरे इस सवाल का जवाब कोई देगा? इंपल्स रिस्पांस दिया, पैराबोलिक रिस्पांस पूछ लिया। इंडक्शन मशीन बोल रहा ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो करके बताओ।
गोविंद हमारे साथ हैं, पम्मी बाला हमारे साथ, देखो इम्पल्स रिस्पांस को ऐसे याद करने के लिए बताया था, प्यार हुआ या साई से, इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का इंटीग्रेशन करोगे तो रैंप मिलेगा, रैंप का इंटीग्रेशन करोगे तो पैराबोलिक मिलेगा, तो इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे तो स्टेप रिस्पांस मिलेगा, तो स्टेप रिस्पांस क्या होगा, स्टेप रिस्पांस होगा इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पांस, यानी 4t² प्लस 60 प्लस 2 dt, तो हो जाएगा 4t³ बटे 3 प्लस 6t² बटे 2 प्लस 2t। अब स्टेप रिस्पांस करोगे तो रैंप रिस्पांस मिलेगा, तो रैंप रिस्पांस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4/3t³ प्लस 3t² प्लस 2t dt। फोर बाय थ्री टी क्यू का क्या होगा, t³⁴/4, t² का हो जाएगा t³³/3, t का हो जाएगा t²/2। ये हो जाएगा आपका t⁴/3 प्लस t³ प्लस t²। ये हो गया रैंप रिस्पांस। अब रैंप रिस्पांस का इंटीग्रेशन करोगे तो पैराबोलिक मिलेगा, तो पैराबोलिक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t⁴/3 प्लस t³ प्लस t² और dt। t⁴ का क्या हो जाएगा, t⁵/5, तो हो जाएगा 15, t⁴/4 प्लस t³/3, ये हो जाएगा उत्तर। सोनू कुमार, अनिल चावला ने दिया t⁵/5/15, t⁴/4/4, t⁴/3/3। अनिल चावला ने दिया था, और किसी का आंसर आया, पम्मी ने भी दिया था बट गलत था, पम्मी ने भी दिया था गलत था। UPPCL ने कुछ नहीं लूटा है, UPPCL ने कट ऑफ उस से कम कर दी जाएगी, बस टेंशन किस बात की है, अगर बाकी सही किया होगा तो देखना। Which of the following is एक्टिव एलिमेंट, पहला वोल्टेज सोर्स, दूसरा डिपेंडेंट, करंट सोर्स, तीसरा ए एंड बी बोथ,
चौथा नन ऑफ दीज। बोलो इसका जवाब दो। इसका जवाब दीजिए विच आर द फॉलोइंग इज एक्टिव एलिमेंट, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ए एंड बी बोथ या नन। इसका जवाब होगा वोल्टेज सोर्स। अगर यहां वोल्टेज सोर्स होता और यहां केवल करंट सोर्स होती, अगर यहां वोल्टेज सोर्स होता यहां केवल करंट सोर्स होती तब हम टिक कर देते ए एंड बी बोथ। मगर डिपेंडेंट करंट सोर्स जो दे रखा है, डिपेंडेंट करंट सोर्स इज नॉट द एक्टिव एलिमेंट। डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। द इनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या द इनडिपेंडेंट करंट सोर्स इज एक्टिव एलिमेंट। और अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, केवल वोल्टेज सोर्स लिख दिया है, केवल करंट सोर्स लिख दिया, तो हम उसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, तो उसको एक्टिव मानते हैं। बट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, दैट इज नॉट एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो आज का सवालों का सिलसिला इतना ही। ठीक है, बाकी के सवाल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस पीपीसीएल जेई का, बताओ जरा कैसा रहा यूपीपीसीएल जे का एक्सपीरियंस। चिंटू कह रहा है लूट लिया हमको सर यूपीपीसीएल ने। चिंटू कैसा कैसा हुआ है पेपर? पम्मी का गाना बहुत नेगेटिव हो गया। अभिषेक बोल रहे हैं बहुत अच्छा तो नहीं, सब किस्मत पर है। प्रिंस बोल रहे हैं 118 सात की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया काम है प्रिंस, उम्मीद करते रहो। इंडक्शन बोल रहे बहुत खराब। आनंद बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा रहा, थोड़ा नंबर कम आया बट अच्छा था। इंडक्शन बोल रहे मेरा इजी क्वेश्चन बहुत गलत हुआ। यही तो होता है, कई बार गलत हो जाते हैं इजी क्वेश्चन। आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है, तुक्का ज्यादा नहीं मारना है। जहां पे लगे संशय कि ए भी हो सकता है तो वहां तुक्का मारो। कई बार क्या होता है, चार ऑप्शन चिंटू देखता है, ऑप्शन पढ़ते में सी भी सीधी देखता है, तो ये ऑप्शन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इसमें तीन वर्ड है, इसमें दो ही वर्ड है, दो वर्ड वाला कैसे हो सकता है, तीन वर्ड वाला होगा, ऐसे तुक्का मारता है चिंटू। हताश और परेशान मत होइए, हो सकता है आपको दोबारा मौका यूपीपीसीएल दे इस दिसंबर के महीने तक, नवंबर दिसंबर जनवरी तक। अगर दोबारा वैकेंसी चुनाव के पहले एक बार आ गई तो आपको एक मौका और मिलेगा किस्मत आजमाने का। तो अपनी कमियों को दूर करते रहिए, बाकी के जो एग्जाम है DFCCIL वगैरह के और भी जो एग्जाम है उनकी तैयारी में लगे रहिए और उन एग्जाम को मेहनत के साथ दीजिए। ठीक है, तो मेहनत के साथ आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और एग्जाम देके कभी कभी आपको बुरा लगता है, पेपर थोड़ा सा उठपटा आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जो आप नहीं पढ़ जाते हुआ जाता है, कई बार आप पढ़ जाते हुआ जाता है तो आप खुश होते हो। मैटर फाइनली आपका सिलेक्शन करता है। तो जब पेपर बहुत उल्टा सीधा आ जाए तो कोशिश करो जितना करो उतना सही करो, बहुत ज्यादा 170-180 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए फिर। इंडक्शन बोल रहे हैं आपकी बार यूपीपीसीएल कंफर्म रहेगा, बिल्कुल इंडक्शन दैट शुड बी स्प्रिट। गोविंद बोल रहे हैं सर कभी आगरा आइए। आगरा आएंगे तो कहाँ घुमाओगे गोविंद? ठीक है पम्मी, मैं देखता हूँ पीएलसी वगैरह का। कहाँ घुमाओगे आगरा में? चिंटू का ताजमहल, ताजमहल तो घूम चुका हूं मैं, और कुछ बताओ।
आगरा का पंछी पेठा खिलाओगे? ठीक आगरा का पंछी पेठा। गोविंद बोले प्लेस प्लेटफॉर्म पे स्टेशन कंट्रोलर ऑफिस है मेरा। अरे तो ऑफिस में घुमाओगे क्या? ऑफिस से बैठा के घुमाओगे? ऑफिस में क्या घूमना है? अरे कुछ अच्छी जगह बताओ। आनंद बोल रहे हैं इस बार मेरी शिफ्ट में माइक्रो कंट्रोलर के क्वेश्चन ज्यादा थे। और माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़े नहीं थे आनंद, ऐसा है ना? सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना इस बार जब जाना, तो अगर दोबारा वैकेंसी आती है तो माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी ये सारी चीजें पढ़ के जानी है आपको। ठीक है गोविंद, आते हैं कभी तो मिलते हैं आपसे। ठीक है तो आज की कहानी यहीं तक। बाकी मैं आपको बता दूं, 24 सितंबर से प्लस पे मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 24 सितंबर से प्लस पे मेजरमेंट कैटेगरी होगी, यही एसएससी जेईई स्टेट एग्जाम। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके RK11 रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और जितने भी एडवांटेज हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, फीस आप ये है, बेहतर है आप जब लेना तो 2 साल या 1 साल का लेना। कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मैक्स में मिल जाएगा। तो आज की कहानी यहीं तक। बिल्कुल आनंद, पीएलसी वगैरह पढ़ लो। सो गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर।